ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज एक ऐसे प्रयोग के बारे में आपसे बात करेंगे जिस प्रयोग से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ये प्रयोग मेरे खुद का आजमाया हुआ है और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको वही बातें बताएं जो हमने खुद अनुभव की हैं और वही उपाय आपको बताएं जो हमने खुद किए हैं और जिनका रिजल्ट हमने अपने जीवन में पाया है। किसी का सुन के या किसी के वीडियो देख के या किसी की नकल करके अगर हम आपको जानकारी देंगे तो हम आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। हम अगर इस तरह से करेंगे तो हम अपने स्वयं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जीवन में कोई व्यक्ति किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता है, वो स्वयं को बेवकूफ़ बनाता है। वो ये सोचता है कि हम उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते, हम स्वयं को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो हमें कभी किसी के साथ में कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी को गलत सलाह देनी चाहिए, ना ही हमें किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे उसके हृदय में परिवर्तन हो जाए या उसका हृदय दुख से भर जाए। और यह जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत चमत्कारिक है और इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। हाँ, ये डिपेंड कर सकता है, ये निर्भर कर सकता है कि आपका तपोबल कितना है। तो हो सकता है अगर आप पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा जुड़े व्यक्ति हैं, आप भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आपका हृदय पवित्र है, तो ये कार्य बहुत जल्दी करता है क्योंकि ये सारी एनर्जी आपकी ही इस्तेमाल करता है। आपकी जैसी एनर्जी होगी वैसा ही आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पवित्र होना पड़ेगा और अपने आप में अपने अंदर अच्छाई रखनी पड़ेगी। अगर आप गलत सोचेंगे या गलत करेंगे तो ये असर नहीं करेगा, ये वैसा ही असर करेगा जैसी भावनाएं आपकी होंगी। तो ये प्रयोग क्या है, आपने देखा होगा कि आप नित्य पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ में भगवान को जल अर्पित करते हैं और लोटे में जल बचा भी रहता है। तो जब हम पूजा पाठ कर चुके होते हैं या मंत्र जप कर चुके होते हैं तो वो जो जल होता है वो अभिमंत्रित हो जाता है। जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं उन मंत्रों से वो जल अभिमंत्रित हो जाता है, क्योंकि जल एक ऐसी क्रिया करता है अपने अंदर जिससे वो आसपास की जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अगर वो अच्छी एनर्जी होगी तो उसको अवशोषित कर लेगा, अगर वो ख़राब एनर्जी होगी तो उसको अवशोषित कर लेता है। तो जो पूजा पाठ के बाद में जो जल बचता है, बचा हुआ, उस जल को अगर हम अपने घर में डाल देते हैं कई जगह पे, तो जल उस जल से घर पवित्र हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी नकारात्मकता आपके घर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। उसके बाद में क्या होता है, अगर वही जल हम अपने बच्चों को देते हैं या अपने घर में जो हमारे साथ रहते हैं उनको हम अगर वो जल पिलाते हैं तो भी बहुत असर करता है, क्योंकि जो मंत्र आपने जपे हैं, जो पूजा पाठ आपने की है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव सभी के अंदर जाता है और सभी को उसका लाभ मिलता है। तो एक ये फ़ायदा होता है। अब होता क्या है कि बात आती है मनोकामना वाली। अभी जैसे बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग भी हैं जिनके मन में सवाल आता है कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, भगवान की सेवा भी बहुत करते हैं, व्रत भी रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मनोकामनाएं हमारी पूर्ण नहीं हो रही हैं, जीवन में हम जो चाहते हैं वैसा कुछ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, इसलिए नहीं होता है। आपके जीवन में जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और जो नहीं लिखी हैं वो भी मिल सकती हैं अगर आप प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कोई ये बात गारंटी नहीं देता है कि आपको सारी चीज़ें 100% हो जाएंगी। तो होता क्या है, जब आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी हो तो आप ये प्रयोग करके देखिएगा। आपकी 100% चीज़ें पूरी नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर जिस राह पे आप चल रहे हैं, जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसमें 25% भी कोई ऐसी शक्ति आपका साथ दे देती है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो 75% में से आप कुछ ना कुछ तो मेहनत करते ही करते हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा असर करता है। आपको करना क्या है कि जब भी आप पानी पीते हैं, जब भी आप जल पीते हैं, तो वो पूजा वाला जो पानी है उसको अपना जो बोतल होती है उसमें थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए, जिससे वो बोतल पूरे दिन चलती रहे और उसी पानी को आपको पीना है। और जब भी आप पानी पियेंगे तो आपको पानी को देखना है और अपनी मनोकामना कहनी है,
और ऐसी जगह पर कहनी है जिससे कोई और ना सुने। खाली देख के मन ही मन बोलना नहीं है, थोड़ा सा बोलना भी है आपको, जिससे उस पानी में थोड़ी सी एनर्जी जाए आपकी जो आप बोल रहे हैं। जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, कुछ भी बोलते हैं अपनी मनोकामना के लिए, आपकी एनर्जी उस पानी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद में उस जल को आप पी लीजिए। ऐसा आप हर बार करिए, जब भी आप पानी पीते हैं तब तब आपको अपनी मनोकामना पानी को देखते हुए कहनी है और पानी पी लेना है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो जीवन में पाना चाहते हैं वैसी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। सब कुछ 100% बदल जाएगा, हमने आपको पहले कहा था, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर आपके अनुसार कोई चीज़ 40% 50% भी बदल जाती है तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली है। तो आपको इस तरह से प्रयोग करना है। दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरा प्रयोग यह है कि आप जब भी पानी पीते हैं तो एक अपनी पर्सनल बोतल रखिए, और ऐसी बोतल जिसमें कहीं कुछ लिखा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरी बोतल में कहीं कोई कुछ भी मार्क नहीं लगा होना चाहिए, लिखा नहीं होना चाहिए, सिंपल बोतल रखिए। उस बोतल में आपको एक पेपर में अपनी मनोकामना लिखनी है। सबसे पहले तो जिस मंत्र का आप जप करते हैं वो मंत्र लिख लीजिए, उसके नीचे अपनी मनोकामना लिख लीजिए बिल्कुल क्लियर। अगर आपको 1000 रुपये पाना चाहते हैं तो सीधे लिखिए कि हाँ मैं 1000 रुपये पाना चाहता हूँ। इस तरह से आप 2000 रुपये पाना चाहते हैं तो 2000 रुपये पाना चाहता हूँ। ये नहीं लिखना है कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, ये नहीं लिखना है कि मुझे बहुत सारी खुशियाँ चाहिए। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, वैसा आपको उसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद में उस पर्ची को उस बोतल पर चिपका दीजिए, और जो लिखा हुआ है बोतल के अंदर साइड में होना चाहिए, फेसिंग आपको नहीं दिखना चाहिए, बोतल को दिखना चाहिए। उसके बाद में वही जल आपको पीना है, और जब भी बोतल खाली हो जाती है पानी भर लीजिए, अपने पास ही रखिए। उस बोतल को किसी को टच मत करने दीजिए, उसमें किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, और उस बोतल को कोशिश करिए कि कोई देखे ना, क्योंकि देखेगा तो टोकेगा, उसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होगी। तो किसी की एनर्जी को उस पानी में ट्रांसफ़र नहीं होने देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको वही पानी हमेशा पीना है। आप विश्वास करके देखिएगा, आप करके देखिएगा, आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। 100% बदलाव होना शुरू होगा, और 100% चीज़ें बदलेंगी नहीं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको उससे सहायता मिल जाएगी, 40%, 30%, 60%। आपके अंदर इतना तपोबल है, या आपके अंदर इतनी एनर्जी है, या आपके अंदर इस तरह से कोई शक्ति है, तो आप उसको 100% भी बदल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक गृहस्थ व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं कि अपने जीवन को एकदम यू टर्न पे ले आए। तो आपके जीवन में बदलाव होगा ही होगा, और आप इसको विश्वास करके करिएगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।